नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताई थी महिलाओं से जुड़ी अहम बातें। प्यारे दोस्तों, आज के समय में महिलाओं को अपने आत्मसम्मान और अधिकार के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। बहुत ही कम लोग हैं जो महिलाओं के हक में बात करते हैं, वरना कोई इन्हें अपने समान नहीं समझता तो कोई इन्हें सिर्फ घर की काम करने की मशीन समझता है। महिलाओं का अपना कोई अस्तित्व हो, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। भारत देश में जहां एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कम उम्र की लड़कियों की इज्जत को तार तार भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है, मगर इतिहास गवा रहा है कि जब भी इस दुनिया में महिलाओं का अपमान हुआ है तो सर्वनाश हुआ है। फिर आप उसके लिए उदाहरण रामायण का लीजिए या फिर महाभारत का, जिसमें भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताई थी महिलाओं से जुड़ी अहम बातें। उन बातों का पालन करने वाला ही सांसारिक और आर्थिक सुख को भोग सकता है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताई थी महिलाओं से जुड़ी अहम बातें, जो कि इस प्रकार से है। महाभारत में हुए युद्ध का कारण तो सभी जानते हैं। जब कौरवों और पांडवों के बीच घनघोर युद्ध हुआ था, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उनके खुद के पति कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर ये युद्ध द्रौपदी के साथ हुए अत्याचार के कारण ही शुरू हुआ। इस युद्ध में अर्जुन के तीरों से घायल भीष्म पितामह जब तीरों की सैया पर लेटे अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उस समय अपने सारे अच्छे बुरे कर्मों को याद कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सोचा कि उन्होंने बहुत कुछ गलत किया, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर अपने जीवन में हुए अनुभव के बारे में कुछ बातें और कुछ ज्ञान उन्हें देने लगे। उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि पुरुषों को हर महिला का सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। परिवार में रहने वाली महिलाएं और बाहर रहने वाली महिलाओं का सम्मान करना एक अच्छे और सच्चे पुरुष की जिम्मेदारी होती है और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भीष्म पितामह ने बताया कि जिस घर में महिलाओं का सम्मान किया जाता है और उन्हें प्रसन्न रखा जाता है, तो उस घर में लक्ष्मी और खुशहाली का वास रहता है। जिस घर में महिलाओं का अपमान किया जाता है, तो उस घर में भगवान और देवता जाकर भी वापस चले आते हैं। उस घर में दुख कटु वचन और विवाद की स्थिति बनी रहती है। महिलाएं ईश्वर का बनाया हुआ बहुत ही खास और नाजुक नजराना है, जिसका ख्याल रखने के लिए पुरुष को बनाया गया है और उनकी रक्षा करना हर पुरुष का कर्तव्य भी है। हर इंसान को बहु बेटी का करना चाहिए सम्मान। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि जिस परिवार में खुद की बेटी और दूसरों की बेटी यानी बहू में फर्क किया जाता है, तो उनकी बेटी को उनके ससुराल में सम्मान नहीं मिलता। इसलिए आप जितना प्यार अपनी बहू को देंगे, आपकी अपनी बेटी को उसके ससुराल में उतना ही मान और सम्मान मिलेगा। बहू और बेटी का सम्मान हर किसी को करना चाहिए, जिससे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूंगी कि आप अपने जीवन में भी इन बातों का अवश्य स्मरण करते हुए वही कार्य करेंगे जो कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।